एकजुट हूं और ये कहते आज बयान आया कि दुष्यंत एमपी का चुनाव लड़के देखे पता चल जाएगा। अरे दुष्यंत क्यों एमपी का चुनाव लड़ेगा? अगर आप रखते तो दुष्यंत एमपी का चुनाव लड़ता, अब तो दुष्यंत यहां से एमएलए का चुनाव लड़ेगा और चंडीगढ़ जाएगा। और इतना ही शौक एमपी का चुनाव लड़ने का तो खुद लड़के देख लेना, एक बार लड़ा भी तो था। तो इसलिए मैं तो फिर आपसे कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद नहीं है, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं भी इसका पारिवारिक मतभेद है। हमारा कोई पारिवारिक मतभेद नहीं, आज भी हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं। ये वैचारिक मतभेद है, ये राजनीतिक मतभेद है। ये लोग अजय सिंह जी की और चौटाला साहब की शर्म करते थे, नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी से डरता नहीं और ना कोई किसी से मान के खाता। सब अपना गुजारा करना जानते। इस डर को निकाल दो और आज इस डर से ना मैं डरा ना दुष्यंत डरा। हमें बहुत दबाया, हमें बहुत हर तरीके से दबाया, पर हमारा एक ही था कि हमें कुछ भी कह लो, हमें आप कितना ही जलील कर लो, मगर अगर कार्यकर्ता पे उंगली उठाओगे, कार्यकर्ता को कांग्रेसी कहोगे जिसने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, तो फिर हम उसको सहन नहीं करेंगे। हम आपसे इस बात मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए, अपनी इस बेल्ट में तो लोग अधिकार और हक वाले लोग हैं। चौटाला साहब के पास भी जाकर के जो बुजुर्ग बैठे हैं ये काम करवा लिया करते थे। अब अगर कोई ये ऐसा मुख्यमंत्री बन गया तो उनके पास जाने से भी डर लगेगा। मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिसका हाथ पकड़ ले, या मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिससे खौफ हो, ये फैसला हमने करना है। अगर ऐसा चाहिए जिसका हाथ पकड़ लो, ये बुजुर्ग जाके दुष्यंत के कान भी पकड़ सकते, तो फिर आपने फैसला करना है। और आजकल मोबाइल फोन का जमाना, अगर फोन फान कोई आए तो रिकॉर्ड कर दिया करो, चिंता ना किया करो, और कोई होए तो हमें भेज दिया करो, और कोई डराए तो हमें बताया करो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आप वोट दे के बनाते हो, कोई आप पर एहसान नहीं करता।